नेक्स्ट होगा एग्जांपल नंबर 6। यहां आपसे पूछा गया कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू आपको 6 और 20 का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। ओके, यहां पे देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। अब 6 को आप क्या लिख सकते हो, 6 को आप 3 × 2 लिख सकते हो। यहां पे हम लोग 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3। 2 × 3 कहने का मतलब 2 का भी पावर 1 है और 3 का भी पावर 1 है। ओके, इसके बाद इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 × 3। और यहां पे आ जाओ आप। ओके, आप 20 को क्या लिख सकते हो, अगर 20 को लिखने की बारी आई तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 × 2 = 4, 5 × 20 होता है 2 × 2 × 5। या इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर और × 5। अब आपको पता है कि जब भी कभी हम लोग एचसीएफ फाइंड करते हैं, आपको दो नंबर का जब एचसीएफ फाइंड करना हो, आपको पता है कि यहां पे एचसीएफ किसका पूछा गया, 6 और 20 का। आपको कॉमन में क्या करना है, कॉमन में लोएस्ट पावर वाला लेना है। यहां पे देखो 2 और 2 कॉमन है, लोएस्ट पावर किसका है, तो 2 × 1 का है, यहां पे हम लोग 2 ले लेंगे, या इसको कह सकते हैं 2 × 1। अब देखो क्या और कुछ टर्म कॉमन है, 3 इसके पास है, इसके पास नहीं है, 5 इसके पास है तो इसके पास नहीं है, इसका मतलब ओनली 2 आपके पास मिला। हम लोग कह सकते हैं कि इसका एलसीएम कितना आ गया, 2 आ गया। अब आप एलसीएम फाइंड करो, एलसीएम आपको पूछा गया, एलसीएम किसका, तो 6 और 20 का। आपको एलसीएम की कंडीशन में रूल याद रखना है कि कॉमन में हम लोग मैक्सिमम पावर लेते हैं और जो नॉन कॉमन टर्म्स होता है उसको भी लेते हैं। इसका मतलब 2 का पावर 1 और 2 का पावर 2 में आपको किसको लेना है, 2 का पावर 2 को। और इसके बाद 5 इसके पास है तो, और 3 इसके पास है, यहां से 5 भी ले लो और यहां से 3 भी ले लो, ये कितना आ जाएगा, 2 × 2 = 4, 5 × 20 और 20 × 3 ये कितना आ जाएगा, 60। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो एचसीएफ रहा वो 2 रहा और एलसीएम जो रहा वो 60 रहा। ओके, अब यहां पे एक बात आप याद रखना कि जब भी कभी एचसीएफ की बात होगी, एचसीएफ ऑफ 2 नंबर की बात होगी, हम आपको बताते हैं यही तक आपका आंसर रहा। लेकिन अगर आपको जैसे एचसीएफ ऑफ अगर 6 और 20 आपसे पूछ दिया गया, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हमने क्या लिया, 2 का पावर 1 लिया। कहने का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ इच कॉमन प्राइम फैक्टर्स इन द नंबर्स, प्राइम फैक्टर्स इन द नंबर्स नंबर्स। अब आपसे एलसीएम पूछ लिया गया, इसका मतलब हमने क्या लिया एलसीएम के प्लेस पे, एलसीएम जब आपने लिया 6 और 20 का, यहां पे क्या आ गया, ये आपको आया 2 का स्क्वायर × 3 to the power 1 और × 5 to the power 1। इट मीन्स क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ इच प्राइम फैक्टर्स, यहां पे लिख लो प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ इच प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व इन द नंबर्स। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 7 पे। एग्जाम्पल नंबर 7 में आपसे पूछा गया कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब आपको क्या करना है, एचसीएफ फाइंड करना है 96 और 404 का। सबसे पहले आप क्या करो, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। आप 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 96 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे कितना, 2 से डिवाइड करोगे 48 आएगा, 2 से डिवाइड करोगे 24 आएगा, 2 से डिवाइड करोगे 12 आएगा, 2 से डिवाइड करोगे 6 आएगा, 2 से डिवाइड करोगे 3 आएगा और यह आ गया 3। इसका मतलब इसको कितना लिखा जा सकता है, 1, 2, 3, 4 याद आएगा आपको 2 to the power 4। यहां पे 1, 2, 3, 4, 5 है, इसको आप कर लो 2 to the power 5 और इंटू कितना आ गया, इंटू आपको आ गया 3 to the power 1। ये 96 का आ गया। अब आप 404 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। 404 का जब हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहां से अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको आ जाएगा 202। इसके बाद फिर अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपको 101। अब तो 101 क्या है, प्राइम नंबर्स है, मतलब अब तो आगे नहीं जा सकते। इसका मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2 × 101। इसका मतलब कितना आ गया, ये 2 का स्क्वायर हो गया और × 101 to the power 1 हो गया। अब आपको क्या करना है, पहले एचसीएफ फाइंड करना है। अगर आपसे एचसीएफ पूछ लिया गया 96 और 404 का, आपको क्या बताया है कि आपको कॉमन फैक्टर में चूज करना है लोएस्ट पावर, वही आपका एचसीएफ होगा। यहां पे देखो 2 इसके पास भी, 2 इसके पास भी, लेकिन इसका पावर 5 है और इसका पावर 2 है, तो आपको एचसीएफ के कंडीशन में लोएस्ट पावर लेना है। इसका मतलब 2 to the power 2 आपको चूज करना है, और 2 to the power 2 को हम लोग क्या कह सकते हैं, 4 कह सकते हैं। अब आ जाओ आप, एलसीएम पूछा गया आपसे, एलसीएम किसका, एलसीएम पूछ लिया गया आपसे 96 और 404 का।
इसमें हमने आपको रूल क्या बता रखा है कि कॉमन में आपको मैक्सिमम पावर लेना है और नॉन कॉमन टर्म्स को भी लेना है। इसका मतलब कॉमन में अगर मैक्सिमम पावर लेते हैं तो यहां जाएगा 2 to the power 5, नॉन कॉमन में यहां से एक टर्म 3 है और एक टर्म कितना है 101 है। अब सबको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको, अगर यहां पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 to the power 5 करेंगे, 2 to the 4, 2 to the 8, 2 to the 16, 2 to the 32, 32 3 to the 3 to the 6 और 3 to the 9, और इसको मल्टीप्लाई कर लो 101 से, कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 96, यह आ जाएगा 00 और ये भी कितना आ जाएगा 96। इसका मतलब 6 9 6 9 9 6 9 6 आपको करेक्ट आंसर आ गया, तो 9 6 9 6 आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं एग्जांपल नंबर 8 पे। एग्जांपल नंबर 8 में आपसे पूछा गया कि फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 672 and 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जिस तरीके से आपने प्रीवियस दो क्वेश्चन को सॉल्व किया वही सेम मेथड यहां भी यूज करना है। पहले आप 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, जब आप 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप 2 into 3 लिख सकते हो, इट मीन 2 to the power 1 आ गया और 3 to the power 1 आ गया। ऐसे ही आपको क्या करना है कि 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना है। अगर आप 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो तो इसको क्या लिख सकते हो, 72 को हम लोग लिख सकते हैं 2 36, 2 से 18, 2 से 9 और into 3 into 3, इट मीन इसको क्या लिखा जा सकता है, तो 2 का क्यूब और इंटू आ जाएगा 3 का स्क्वायर। ओके, अब 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, 120 को 2 से डिवाइड करेंगे 60 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 30 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा और 3 into 5 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 into 5 15। इसका मतलब इसको लिखा जा सकता है 2 to the power 3 और into 3 और into 5। ओके, अब आपसे क्या पूछा गया, पहले एचसीएफ पूछा गया। हमने आपको क्या बताया है कि एचसीएफ जैसे ही आप फाइंड करोगे तो आपको क्या करना है, कॉमन में मिनिमम पावर को लेना है, 672 और 120। यहां पे देखो कॉमन फैक्टर, इसका कॉमन फैक्टर क्या है, 2 इसके पास भी 2 इसके पास भी 2 इसके पास भी। मिनिमम पावर क्या है, तो 2 to the power 1 है, आप इसको सेलेक्ट कर लो, 3 इसके पास भी 3 इसके पास भी 3 इसके पास भी। लेकिन मिनिमम पावर किसका है, तो 3 to the power 1 मिनिमम पावर है, यहां पे 3 to the power 1 को ले लिया। इसका मतलब यहां से अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 जा कितना आ जाएगा, एचसीएफ आपको 6 आ गया। ऐसे आप एलसीएम फाइंड कर लो, एलसीएम आपको पूछा गया किसका, एलसीएम आपको पूछा गया 6 72 और 120 का। इसका मतलब यहां पे क्या करना है, कॉमन, जब कॉमन फैक्टर आप चूज करोगे तो उसमें आपको मैक्सिमम पावर लेना है, साथ ही साथ नॉन कॉमन टर्म्स भी लेने हैं। अगर हम कॉमन पावर की बात करें तो 2 इसके पास भी 2 यहां भी और 2 यहां भी, लेकिन इसमें मैक्सिमम पावर किसका है, तो 2 to the power 3 का है, इसको आप सेलेक्ट कर लो। इसके बाद 3 इसके पास भी है और 3 इसके पास भी है, मैक्सिमम पावर किसका है, 3 to the power 2, इसका मतलब यहां से आपको 3 to the power 2 सेलेक्ट करने हैं। इसके बाद और भी कोई टर्म बच गया क्या, यहां से ओनली 1 term 5 बच रहे हैं, इसको भी आप नीचे ले लो। 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, 9 8 को मल्टीप्लाई करने से 72 आएगा, 72 को अगर हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 72 को अगर हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करते हैं यह आ जाएगा आपको 360, यहां से आपको आ गया 360। ओके, हम लोग कह सकते हैं कि यहां से हमारा एचसीएफ जो है वो 6 आ गया और एलसीएम कितना आ गया, 360। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 पे। यहां पे रिमार्क्स में आपको दिए गए, एक बार आप नोटिस कर लो, यहां पे 672 और 120 कभी भी इक्वल नहीं होगा एचसीएफ इंटू एलसीएम के, सो द प्रोडक्ट ऑफ 3 numbers इज नॉट इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एलसीएफ। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.2 पे। एक्सरसाइज 1.2 में आपसे पूछा गया कि एक्सप्रेस इच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, मतलब कहा गया कि यहां पे प्रत्येक नंबर को जो है उसके प्राइम फैक्टर्स के रूप में एक्सप्रेस करना है। हम यहां पे सबसे फर्स्ट नंबर आपको क्या दिया गया, यहां आपसे पूछा गया 140 आ गया। और इसका मतलब हम लोग क्या करते हैं, यहां पे हम लोग क्या करते हैं, तो 140 का यहां पे प्राइम फैक्टर कर लेते हैं, शायद में आप कर लो, 2 से करेंगे तो आ जाएगा आपको 70, 2 से करेंगे 35 और 5 7 जा 35। इसका मतलब इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 140 इक्वल्स टू, ये आ गया आपको 2 into 2 into 5 into 7। ओके, इसका मतलब हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर into 5 into 7, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया
156 का प्राइम फैक्टराइजेशन। यहाँ पे हम 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं तो 156 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे आप आ जाओ 156। 2 से करेंगे ये कितना आ जाएगा 78, 2 से करेंगे 39, 3 से करेंगे 13, इसका मतलब कितना आ गया, ये आपको आ गया 2 × 2 × 3 × 13। इसका मतलब इसको लिखा जा सकता है 2 का स्क्वायर × 3 × 13, यही आपका प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया 3825। अब यहां पे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, ये कितना आ जाएगा, यहां पे अगर हम 3825 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो यह आ जाएगा आपको, पहले हम लोग यहां पे 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड करो, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 2 × 8 = 3, 7 = 21, 3 × 5 = 15, फिर 3 से करो, 4 × 3 = 12, 25, अब 5 से कर लो, 5 × 8 = 40, 5 × 5 = 25, 5 से करेंगे ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 17। इसका मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं 3825 इक्वल किसके आ गया, ये आ गया 3 × 3 × 5 × 5 × 17। इसका मतलब यह आ जाएगा आपको 3 का स्क्वायर × 5 का स्क्वायर × 17, यही आपका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया 5005, यहां पे आप लिख लो 5005। ओके, अब यहां पे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, 5005 का अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 1 से करने पे कितना आ जाएगा, तो 1 अगर 5 से करेंगे तो ये आ जाएगा 1 0 0 और 1, 1001 आ गया। अब इसको और कर सकते हैं क्या, 5 के बाद तो अब हम इसको 5 से नहीं कर सकते, अब एक बार 7 से ट्राई करते हैं, यहां पे कितना आ जाएगा 7 × 1 = 7, 7 × 4 = 28, 7 × 3 = 21। अब इसको हम अब तो 7 से नहीं होगा, अब इसको ट्राई करते हैं एक बार 11 से, अगर 11 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 × 1 = 11 और 11 × 3 = 33, तो ये कितना आ गया 13 आ गया। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं 5005 इक्वल किसके आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 × 7 × 11 और × 13, इसका मतलब ये कितना आ गया, तो 5, 7, 11 और 13, यही आपका प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया 7429, अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, यहां पे 7429 है, अब इसको अगर हम 9 × 2 = 11, 11 × 4 = 15 और 7 = 22, तो 3 से भी नहीं लगा, 7 से भी नहीं होगा, अब इसको 13 से एक बार ट्राई करके देखें, 13 से भी नहीं होगा, एक बार 17 से ट्राई करते हैं, यहां पे 17 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 17 × 4 = 68, 6 आ जाएगा, 7 टाइम्स आ जाएगा, अब 17 के बाद कितना से होगा, एक बार 19 से ट्राई करके देखते हैं, 19 से अगर करेंगे 19 × 2 = 19, 3 = 57, इसका मतलब इसको क्या लिखा जा सकता है, इसका मतलब 7429 ये इक्वल किसके आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको 17 × 19 और × 23 के। ओके, यही आपका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। मतलब आपको कहा गया कि पहले तो जो भी आपको पेयर्स दिए गए नंबर्स का उसका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, इसके बाद साथ ही साथ ये भी वेरीफाई करना है कि क्या एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई जो है वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होता है या नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया 26 और 91। ओके, हम लोग क्या करते हैं, पहले 26 और 91 दिया गया, हम लोग इसको प्राइम फैक्टर्स करते हैं, एक्सप्रेसिंग 26 और 91 एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ओके, अगर आप 26 को करोगे तो कितना लिख सकते हो, 2 × 13, 91 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे 7 × 13, और आपसे क्या पूछा गया एचसीएफ, पहले यहां पे हम लोग पहले क्या करते हैं, एचसीएफ फाइंड करते हैं, एचसीएफ पे हमने क्या रूल बता रखा है,
कि HCF में आपको कॉमन लेना है, वो भी मिनिमम पावर के साथ। 13 इसके पास भी, 13 इसके पास भी, 13 कॉमन आ गया, इसका मतलब HCF कितना आ गया, 13 आ गया। यहां पे आप लिख लो HCF ऑफ, किस दो नंबर का HCF आपने लिया है, तो HCF आपने लिया है 26 और 91 का, तो HCF ऑफ 26 एंड 91, और ये कितना आ गया, ये आपको 13 आ गया। ओके, अब आप क्या करो, LCM फाइंड करो, LCM ऑफ 26 एंड 91। हम आपने क्या, हम आपको क्या बता रखे हैं कि कॉमन फैक्टर में आपको मैक्सिमम पावर लेना है, साथ ही साथ नॉन कॉमन फैक्टर्स को भी लेना है। यहां पे देखो 13 इसके पास भी, 13 इसके पास पावर सेम है, एक 13 ले लो, 26 के पास 2 है और 91 के पास 7 है, ये ले लिए, सबको आप आपस में मल्टीप्लाई कर लो, ये कितना आ जाएगा, 7 टू जब 14, 14 को अगर 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा आपको 182 आ गया। ओके, अब आपको यहां से HCF और LCM मिल चुका है, अब आपको क्या करना है, वेरिफिकेशन करना है, यहां पे वेरीफाई कर लो, प्रोडक्ट ऑफ 26 एंड 91, अगर इसका हम लोग प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा 26 और 91 को आप मल्टीप्लाई कर लो, 2366, यहां से आपको आ गया 23 और 66। ओके, प्रोडक्ट ऑफ दो नंबर्स मिल गया, अब आपको प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF कर लेना है, प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF, ये कितना आ गया, तो 182 और इंटू 13 मल्टीप्लाई कर लो, 13 टू जा 26 कैरी 2, 13 एट जा 104, 104 और 2 106 का 6 कैरी 10, 13 वन जा 13 और 10 कितना आ जाएगा 23, इसका मतलब यहां से आपको आ गया 2366। अब देखो कि जब आपने दो नंबर का प्रोडक्ट किया तो रिजल्ट कितना था 2366, और जब LCM और HCF का प्रोडक्ट किया रिजल्ट कितना था 2366, इसका मतलब दोनों इक्वल हो गया, हम लोग कह सकते हैं हंस LCM इंटू HCF ये इक्वल किसके आ गया, ये आ गया प्रोडक्ट ऑफ 26 एंड 91। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू पे, क्वेश्चन नंबर टू में आपसे पूछा गया 510 एंड 92, इसका LCM और HCF साथ ही साथ वेरिफिकेशन, 510 एंड 92। ओके, अब यहां पे आप इसको सॉल्व कर लो, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो 510 का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो कितना आ जाएगा रिजल्ट, ये आ जाएगा आपको 2 से, अगर हम लोग यहां पे साइड में कर लेते हैं 510 का, आ जाएगा 2 से अगर करेंगे आ जाएगा 25 और ये 5 टू जा 10, अब अगर इसको हम लोग करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको, अब तो 2 से नहीं होगा 5 5 10 टू 12 इसका मतलब 3 से होगा, 3 से अगर करेंगे तो आ जाएगा 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, 5 से अगर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 17, इसका मतलब 510 को लिखा जा सकता है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ऐसे आप 92 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, तो 92 का अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 46, 2 से डिवाइड करेंगे 23, इसका मतलब इसको लिखा जा सकता है 2 into 2 into 23, प्राइम फैक्टराइजेशन दोनों का हो चुका है। अब आपको यहां पे क्या करना है, जैसे ही HCF फाइंड करना है, HCF पूछा गया किसका 510 का और 92 का, इसका मतलब आपको क्या करना है, यहां पे देखो इसको क्या लिखा जा सकता है, ये तो एज इट इज लिखा जाएगा क्योंकि इसमें तो कोई नहीं है, सेकंड टाइम्स यहां पे इसको क्या लिखा जा सकता है 2 इन 2 का स्क्वायर और इंटू 23, हमने आपको बता रखा है कि HCF में आपको कॉमन फैक्टर में मिनिमम पावर लेना होता है, तो 2 इसके पास भी 2 इसके पास भी, लेकिन कॉमन में मिनिमम पावर क्या, तो 2 टू दी पावर 1, इसका मतलब अगर हम लोग HCF की बात करें तो 2 टू दी पावर 1 कह लो, ये आपको 2 आ गया। और इसके बाद LCM फाइंड करते हैं, LCM ऑफ 510 एंड 92, अगर हम LCM की बात करें तो क्या आ जाएगा, यहां पे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे ये आपको आ जाएगा, हमने आपको क्या बता रखा है कि आपको कॉमन में मैक्सिमम पावर लेना है, इट मींस कॉमन फैक्टर का मैक्सिमम पावर, अननोन कॉमन टर्म्स भी लेने हैं, तो 2 का पावर 2 और 2, इसका मतलब यहां से आपको 2 का पावर 2 ले लेना है क्योंकि ये दोनों में कॉमन था, 3 यहां भी और 3 तो यहां नहीं है, आपको 3 भी लेना है, 5 यहां नहीं है 5 भी लेना है, 17 इसके पास है 17 भी लेना है, और 23 इसके पास है आपको 23 भी लेना है। अब आप सबको मल्टीप्लाई कर लो, अगर हम लोग सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 23 जा 60, 60 को अगर हम लोग 17 से मल्टीप्लाई करते हैं ये आ जाएगा 1020, अब इसको 23 से मल्टीप्लाई कर लेना है,
सिक्स फोर थ्री टू, कितना आ गया टू थ्री फोर सिक्स, और यहां एक जीरो है तो यहां पे आप जीरो पुट कर लो, यहां से आपको आ गया टू थ्री फोर सिक्स और जीरो। अब देखो ये तो आपको एलसीएम और एचसीएफ आ गया, साथ ही साथ आपसे वेरिफिकेशन भी पूछा जा रहा था, हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं। वेरिफिकेशन पहले आप क्या करो, एलसीएम यहां एक चीज करो, प्रोडक्ट कर लो पहले दोनों नंबर का, तो प्रोडक्ट ऑफ 510 एंड 92, इस दोनों का अगर हम लोग प्रोडक्ट करेंगे तो यहां से आप 92 को 51 से मल्टीप्लाई कर लो, 2946 ये कितना आ गया आपको 4692, तो यहां पे आप लिख लो 4692 और एक जीरो है तो यहां पे एक जीरो पुट कर लो। इसके बाद आप क्या करो, एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट कर लो, प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम कितना था ये आपको आ गया था 23460 और एचसीएफ कितना था, एचसीएफ 2 था, मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा ये आ जाएगा आपको 200, 6212 का 2 कैरी 1, 42819 और 23246 ये भी कितना आ गया 46920 और ये भी आपको आ गया 46920। इट मींस दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। हम लोग कह सकते हैं हेंस एलसीएम इनटू एचसीएफ, और ये इक्वल किसके आ गया, ये आपको इक्वल आ गया प्रोडक्ट ऑफ 510 या तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कह सकते हो या प्रोडक्ट ऑफ 510 एंड 92 कह सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ 510 एंड 92। ओके नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री पे। क्वेश्चन नंबर थ्री में आपसे पूछा गया 336 और 54, 336 एंड 54। फर्स्ट वर्क आपका होना चाहिए कि दोनों नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। हम लोग पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 336 का, ये कितना आ जाएगा, इसका अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 336। इसको क्या लिखा जा सकता है, अगर 2 से करेंगे यहां पे साइड में आप कर ही लो 336 है, 2 से अगर करेंगे 168, 2 से करेंगे ये आ जाएगा 84, 2 से करेंगे ये आ जाएगा 42, 2 से करेंगे ये आ जाएगा 21 और इसको 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा 7। इसका मतलब इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 7 × 3। इसका मतलब 1, 2, 3, 4 इसको लिखा जा सकता है 2 to the power 4 × 3 × 7। ऐसे आप 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2 से डिवाइड करोगे तो ये 27 आएगा और 3, 3 जा 9, 3 जा 27 होगा। इसका मतलब इसको लिखा जा सकता है 2 का पावर 1 और × 3 का whole cube। अब यहां पे आपको क्या करना है, पहले एचसीएफ फाइंड करना है, किसका, तो 54 और 336 का, ये कितना आ जाएगा। एचसीएफ की बात है तो हम लोग आपको बताया कि कॉमन में आपको मिनिमम पावर लेना है, तो 2 इसके पास भी 2 इसके पास भी कॉमन है तो मिनिमम पावर क्या है 2 to the power 1, 3 इसके पास भी 3 इसके पास भी कॉमन है 3 to the power 1 मिनिमम पावर, इटमीन्स 2 और 3 को मल्टीप्लाई करने पे 6 आएगा, एचसीएफ आपको 6 आ गया। अब आपको क्या करना है, एलसीएम फाइंड कर लेना है, एलसीएम किसका, तो 54 का और 336 का। अगर हम एलसीएम की बात करें, सबसे पहले देखो कि यहां पे आपको कॉमन में मैक्सिमम पावर लेना होता है, 2 इसके पास भी 2 इसके पास भी कॉमन टर्म है मतलब मैक्सिमम पावर आपको 4 आ जाएगा, 3 इसके पास भी 3 इसके पास भी 3 का होल क्यूब आ जाएगा, 7 इसके पास भी यहां पे आ जाएगा, 2 का पावर 4 करोगे इसको अगर मल्टीप्लाई किए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको 2 × 4 × 8 × 16, 16 को अगर हम लोग 27 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना आ जाएगा 432, 432 को 7 से मल्टीप्लाई कर लो ये कितना आ गया, यहां से आपको आ गया 3024। अब आपको क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ पता करने लेना है और आपको वेरिफिकेशन करना है। अगर हम वेरीफाई करेंगे, पहले आप दोनों नंबर का प्रोडक्ट करो, प्रोडक्ट ऑफ 336 एंड 54 मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा, यहां आ जाएगा 4, फिर कितना आ जाएगा 4, फिर 1 और इसके बाद 18, इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम आपको 3024 है और एचसीएफ आपका 6 है, मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 18144। यहां से आपको क्या आ गया, तो एलसीएम जो है वो इक्वल हो गया, एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल किसके आ गया, एलसीएम इंटू एचसीएफ, और ये इक्वल हो गया आपको प्रोडक्ट ऑफ
336 and 54।